Hello everyone, let's start with question number 5. It says, is it true that the distance travelled by a circular wheel of diameter d centimeter is 1 revolution is 2 pi d centimeter? तो वो हमसे ये जानना चाहते हैं कि अगर हम circumference of wheel निकालें तो क्या हमारा 2 pi d आएगा. डायमीटर हमें पता है d है यहाँ पे और रेडियस हमारा r होगा. सो यहाँ पे अगर हम circumference निकालें सर्कल की या व्हील की तो हमारा circumference of wheel क्या होता है, इट इज इक्विवेलेंट टू 2 pi r. अगर यहाँ पे आप देखो तो पाई को हम अलग कर देते हैं और 2r को एक जगह कर देते हैं. अब 2r किसके इक्विवेलेंट है, हमें आंसर चाहिए d की टर्म्स में. हमें अगर वेरीफाई करना है अपना आंसर तो वी रिक्वायर द आंसर इन टर्म्स ऑफ d. तो 2r को आप कैसे डिफाइन करते हो, 2r कैन बी रिटन एज d. डायमीटर है एक तरीके से ये हमारा. सो पाई d हमारा आंसर जो आ रहा है वो पाई d आ रहा है, नॉट 2 पाई d. तो आप देख सकते हो कि जो डिस्टेंस ट्रैवल होगा इट इज पाई डी नॉट 2 पाई डी. सो पाई डी इज नॉट इक्विवेलेंट टू 2 पाई डी. सो देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स. सो दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5. हैव अ ग्रेट डे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.